और क्या कुछ खास है बजट में, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए क्या सौगात दी है। तो बिहार में मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनेंगे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है, बिहार में हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे, हर जिले के लिए मेडिकल कॉलेज और बिहार में एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़ेगी, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई है, बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट केंद्रीय बजट से मिला है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया को हेड ऑफिस बनाया जाएगा, पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा, हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। न्यूज रूम का लुक करते हैं, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि इस केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो विशेष उल्लेख वित्त मंत्री ने किया है वो कितना विशेष है। जी अशोक जी, देखिए बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आज का दिन सुकून का दिन है। पिछले लंबे अरसे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज देने की जो मांग की जा रही थी उसका धरातल पर सही मायने में कहिए कि आज निर्मला सीतारमण ने उतारा है। इसके पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और 2015 के विधानसभा के चुनाव के वक्त में उन्होंने जो ऐलान किया था वो विशेष पैकेज नहीं था, वो चुनावी सभा में ऐलान था। हालांकि केंद्र सरकार ने माना कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा भी किया, लेकिन विपक्षी नेता इससे सहमत नहीं थे। आज का जो बजट है वो इस पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का फोकस बिहार की तरफ है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और इसमें तीन जो प्रमुख एक्सप्रेस वे हैं उन एक्सप्रेस वे को अगर मंजूरी दी गई है और उसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपये अगर लगाए जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के आधारभूत संरचना में ये मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि एक्सप्रेस वे के नाम पर अभी तक बिहार वंचित था और जो भी बड़ी योजनाएँ थी एक्सप्रेस वे की वो अन्य राज्यों में चल रही थी, ये तीन एक्सप्रेस वे मिलने से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उसका आधारभूत संरचना यानी कि सड़कों की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी और इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी है कि पीरपैती में जो मेगा प्रोजेक्ट यानी कि बिजली विद्युत उत्पाद के लिए जो संयंत्र लगाए जाएंगे यानी कि थर्मल पावर जो लगाए जाएंगे इससे साफ संकेत है कि कहीं न कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार को प्रमुखता से अब रखा गया है। और पीरपैती के इलाके में हालांकि राज्य सरकार ने भी थर्मल पावर की घोषणा की थी लेकिन राज्य सरकार उसे एक तरह से कहीं जमीन पर उतार नहीं पाई, अभी तक नहीं उतर पाई है। केंद्र सरकार ने अगर ये ऐलान किया है तो कहलगांव के बाद भागलपुर में दूसरा एक बड़ा थर्मल प्रोजेक्ट होगा और ये कह सकते हैं कि दोनों केंद्र सरकार के द्वारा होगी चूँकि थर्मल पावर कहलगांव में भी NTPC के द्वारा ही थर्मल पावर स्थापित की गई है। ये इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि लगातार बिहार सरकार मांग कर रही थी कि कोसी का जो इलाका है नेपाल से जो पानी आता है उसका दंश बिहार को भोगना पड़ता है और खास करके नदियों में गाद की वजह से बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार ने इसे संज्ञान लिया है न कि नोटिस ली है और 11,500 करोड़ रुपये इस पर दिए हैं यानी कि अब उन इलाकों का सर्वे भी होगा और सिंचाई की सुविधा किस तरह खेतों तक पहुँचाई जाए इसके लिए केंद्र सरकार अब पहल भी करेगी और दूसरी तरफ अब नेपाल से इस संबंध में बातचीत भी होगी। जब सर्वे होंगे तो इस समस्या के की जानकारी होगी और उस समस्या के निराकरण के उपाय भी होंगे। तो ये बिहार के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि बिहार सरकार को एक बड़ा थर्मल प्रोजेक्ट मिला है बिहार के निवासियों को, फिर तीन एक्सप्रेस वे मिले हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इसमें अब केंद्र सरकार ने भी सहयोग देने का वादा किया है और लगभग 8 जिले ऐसे हैं जहां अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो उन जगहों पर मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे, तो ये बिहार के लिए राहत की खबर है। दूसरी बात है कि युवाओं को रोजगार के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम केंद्र सरकार ने चलाया है इसका लाभ बिहार के भी लगभग 2 लाख युवाओं को मिलेगा चूँकि केंद्र सरकार ने लगभग 20 लाख ही से टारगेट फिक्स किया है, तो ये एक बड़ी राहत भरी खबर है कि बिहार के उन युवाओं को जिनको अभी तक स्किल के नाम पर कुछ नहीं है यानी कि डिग्रियां उनके पास हैं लेकिन वो क्या काम करेंगे इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है, तो उन स्किल डेवलपमेंट उनका
का किया जाएगा और उन्हें प्रति माह 5,000 रुपये वेतन के रूप में, यानी कि टोकन वेतन के रूप में उनको दिए जाएंगे। तो यानी कि वो काम भी सीखेंगे और आर्थिक आय भी उन्हें प्राप्त होगी। तो एक तरह से कहिए कि बिहार की जो कई लंबित मांगे हैं, जो कोसी प्रोजेक्ट का की मांग थी, या फिर एक्सप्रेस वे की मांग थी, या फिर आर्थिक रूप से सहायता की मांग थी, तो ये मिलाकर के बिहार को एक तरह से कहिए कि दोनों प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अपनी आंखों के सामने रखा है। और यही वजह है कि बिहार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि 2,66,000 करोड़ रुपये बिहार को मिलेगा इस बजट के द्वारा। और उससे साफ जाहिर है कि बिहार का जो अपना बजट है सालाना, वो 2,10,000 या 15,000 या 20,000 करोड़ है। तो बिहार के बजट के अनुरूप अगर केंद्र सरकार पैसा देती है तो बिहार में विकास की रफ्तार दूनी होगी। अब बिहार सरकार पर यह निर्भर करता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को समय सीमा के अंदर अपना सहयोग देकर के पूरा कराए। और दूसरी बात यह है दीपक की, जो एक कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार में भी बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ी राहत भरी ये खबर जरूर है कि अभी शुरुआत है। तो राहत शुरुआती जो अभी तक जानकारी उपलब्ध हो पाई है, क्योंकि वित्त मंत्री खुद कह रहे हैं कि पूरे विस्तार से एनएसचर में उनकी बजट से जुड़ी तमाम जानकारियां आएगी। अशोक जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे।